ओ भाई जी भाई भाई, तुम्हें देखकर तो लग रहा है आज भी अपडेट की न्यूज ही आई है। अपडेट नहीं तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो यार, थोड़ा सा मजाक किया है, प्लीज बुरा मत मानिएगा। और यार, फाइनली Redmi Note 9 Pro Max के लिए MIUI 12.0.1.0 की अपडेट पुश कर दी गई है Xiaomi की तरफ से। दोस्तों, ये एक पार्शल अपडेट है। मेरे को काफी दोस्तों का जो है वो मैसेज भी आया कि यार, अपडेट जो है वो रोलिंग आउट हो रही है और Xiaomi ने ऑफिशियली कन्फर्म्ड किया है। तो दोस्तों, ये एक पार्शल अपडेट है, यानी कि सभी को ये अपडेट एक साथ नहीं मिलेगी। पहले जो है वो 25% यूजर को अपडेट मिलेगी, उसके बाद थोड़ी सी टेस्टिंग होगी, फिर फुल रोल आउट किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अपडेट तो रोल आउट हो रही है, पर इसमें आपको नया क्या देखने को मिलता है? तो दोस्तों, मैं आज आपको कुछ फीचर्स दिखाने वाला हूँ जो आपको MIUI 12 में देखने को मिलते हैं, जो कि हाईलाइटेड फीचर हैं। यार, मेरे पास अभी मैक्स नहीं है, पर फिर भी मेरे पास 9 प्रो है, तो मैं आपको सारे फीचर्स दिखा देता हूं, क्योंकि सेम ही डिवाइस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो यार, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें आपको क्या कुछ नया देखने को मिलता है, तो पहला फीचर तो ये है, आपको एक नया विजेट देखने को मिलता है यहाँ पर लॉक स्क्रीन में, जो पहले नहीं था, ये डिफरेंट आया है। तो अनलॉक करेंगे तो यार, आपको यहाँ पर एक नया कंट्रोल सेंटर, ये जो है वो हाइलाइटेड फीचर है MIUI 12 का, अब आपको देखने को मिलेगा कंट्रोल सेंटर, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो यार, आपको यहाँ पर जो है वो आपके नोटिफिकेशन मिलेंगे। राइट हैंड साइड से करेंगे तो आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा। सेटिंग्स में जाते हैं तो यार, यहां पर आप देख सकते हैं सब कुछ सेम है, पर अगर आप डिस्प्ले में जाते हैं तो यहां पर यार, आप देख सकते हैं कलर स्कीम मेरे हिसाब से ये चेंज कर दी गई है। पहले ये नहीं थी, अब यहां पर ये जो है वो चेंज कर दी गई है, नया डिजाइन मिल जाता है। और अगर आप डार्क मोड में जाते हैं तो अब आपको यहां पर ग्लोबल डार्क मोड देखने को मिल जाता है। आप इंडिविजुअल एप्स भी लगा सकते हैं, आपको कौन सी थर्ड पार्टी एप्स जो है उनमें डार्क मोड चाहिए, शेड्यूल भी कर सकते हैं, एडजस्ट वॉलपेपर भी कर सकते हैं, एंड कंट्रास्ट भी जो है एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं यार, और यहां पर आकर आप जो है वो कंट्रोल सेंटर को ऑन कर सकते हैं। अगर आपको कंट्रोल सेंटर चाहिए तो आपको यहां पर ऑन करना होगा, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसे जो है वो बंद भी रख सकते हैं, पर अगर आप इसे ऑन करेंगे तो आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा। और यार, यहां पर जो है बैटरी विजेट को भी थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं, जो कि काफी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अगर हम यहां पर नीचे आ जाते हैं तो यहां पर नोटिफिकेशन में आपको कुछ भी ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, साउंड एंड वाइब्रेशन में भी कुछ ज्यादा नहीं है। वॉलपेपर्स में आप अगर जाते हैं तो आपको अब नए वॉलपेपर्स यहां पर देखने को मिल जाते हैं MIUI 12 के, जो लाइव वॉलपेपर है, यानी कि जो सुपर वॉलपेपर है, वो यहां पर नहीं मिलते हैं। तो यहां पर यार, आप देख सकते हैं यहां पर आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन मिल जाती है, जिससे यार आप देख सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन जो है वो लोकेशन ले रही हैं, कॉन्टैक्ट्स आपके कौन कौन सी एप्लीकेशन जो है वो ले रही हैं परमिशंस। तो ये एक अच्छा फीचर है। उसके बाद दोस्तों, बैटरी एंड परफॉर्मेंस में आ जाते हैं तो आपको एक नया लेआउट यहां पर देखने को मिलता है, ये पहले ही आ गया था, पर अब आपको यहां पर जो है वो अल्ट्रा पावर सेविंग मोड देखने को मिल जाता है, जो कि यार वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप कहीं जो है वो स्टक हैं, बैटरी कम हो गई है, तो आप यहां पर अल्ट्रा पावर सेविंग मोड को ऑन कर सकते हैं, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है, ये फीचर हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर हम सेटिंग्स में फिर से जाते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप एडिशनल सेटिंग्स में जाते हैं तो फुल स्क्रीन में जाते हैं तो यहाँ पर अब आपको ये जो नेविगेशन बार है अब देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप इसे ऑन कर सकते हैं और आप यहाँ से स्वाइप कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप स्वाइप कर सकते हैं, ये जो है अभी एंड्रॉयड 10 का फीचर है, जो MIUI 12 में हमें देखने को मिला है। स्पेशल फीचर्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको गेम टर्बो मिल जाता है, जो कि यह सिमिलर है जो पहले था, ज़्यादा इसमें कुछ नया नहीं है, जो कि पहले था वैसा ही है। और यहाँ पर आपको फ्लोटिंग विंडो की भी ऑप्शन मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। तो अगर आप यहाँ पर टैप एंड होल्ड करते हैं तो यहाँ पर सेटिंग्स तो आप नहीं कर सकते, पर अगर आप इसे करते हैं तो आप इसे भी नहीं कर सकते, यह बड़ी लिमिटेड है कौन कौन सी एप्लीकेशन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर क्रोम ब्राउज़र लगाता हूँ तो आप इसे फ्लोटिंग विंडो में ला सकते हैं, तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार की जो है फ्लोटिंग विंडो आ जाती है,
और आप इसे साइड में रख सकते हैं और आप कुछ भी यहाँ पर चले जाइए, कुछ भी कर लीजिए तो ये फ्लोटिंग विंडो चलती रहेगी। और अगर आपने इसे लाना है तो आप सिंपली ड्रैगन जो है वो यहाँ पर इसे टैप कीजिए तो यहाँ पर ये जो है आ जाती है। और यार आपको यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो भी ऑप्शन मिल जाती है, फ्लोटिंग विंडो, तो यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हैं कौन कौन सी एप्लीकेशन आपको चाहिए। तो यार ये फीचर जो है वो लाया गया है यहाँ पर स्पेशल फीचर्स में। यहाँ पर लाइट मोड आपको मिल जाता है, यानी कि सब सारे आइकॉन्स जो हैं वो बड़े हो जाते हैं। यहाँ पर विंडो वीडियो टूल बॉक्स तो पहले ही आ चुका था, तो यार इसमें कुछ नया नहीं है। तो दोस्तों बाकी यहाँ पर सब कुछ सेम ही है, थोड़ी थोड़ी यार जो सेटिंग्स हैं उन्हें चेंज किया गया है। अगर आप लॉक स्क्रीन में जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप लॉक स्क्रीन पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाते हैं तो अगर आप फेस अनलॉक जो है वो लगाने जाते हैं, अगर अब आप दो फेस अनलॉक लगा सकते हैं तो अगर हम लगाने जाते हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा एनिमेशन देखने को मिल जाता है, तो पहले ऐसा नहीं था ये, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो यार यहाँ पर ये कुछ नया आया है। तो अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की, तो यार यहाँ पर जो है वो वेदर ऐप को काफ़ी चेंज कर दिया गया है, आपको एक नई वेदर ऐप देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छा एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो वेदर ऐप नई आ गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें और नए फीचर्स की, यार आपको क्या यहाँ पर देखने को मिलता है, तो नया कैमरा अब आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो आप काफ़ी सेटिंग्स कर सकते हैं। अगर हम सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर आप वोटर मार्क, कस्टम वोटर मार्क पहले ही था, तो यहाँ पर आप पिक्चर क्वालिटी, वॉल्यूम, फोकस, तो यार कस्टमाइज में अगर आप जाते हैं तो लेआउट आप चेंज कर सकते हैं, आपको कौन सी चाहिए, कौन कौन से फीचर आपको चाहिए, कैमरा मोड कौन सा चाहिए, अगर आपको स्वाइप अप चाहिए या टैब्स चाहिए तो स्वाइप अप काफ़ी अच्छा होता है। कलर्स आप चेंज कर सकते हैं, आपको कौन सा कलर चाहिए तो अप्लाई येलो कर देते हैं। साउंड की आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाती हैं। तो अगर हम यहाँ पर कैमरे में जाते हैं तो अब आप ऐसे स्वाइप ऊपर करेंगे तो आपको सारे फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये यार नया कैमरा यहाँ पर लाया गया है। तो दोस्तों ये कुछ हाइलाइटेड फीचर हैं MIUI 12 के। तो यार अगर आपको अपडेट मिली है तो जल्दी से अपडेट कर लीजिए, क्योंकि अपडेट जो है वो ज़्यादा देर नहीं रहती है, गायब हो जाती है और महीनों तक नहीं मिलती है। तो यार ये सारी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर अपडेट के बारे में। तो यार आज के लिए बस इतना ही।